हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेटिंग ट्यूटर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये डबल कलर की के स्पाइरल कैप ये देखिए दो कलर में मैंने इसको बनाया है आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने ये बनाया है यहां से अगर आपको इसको मल्टी कलर में बनाना है तो जैसे कि ये वाला पार्ट है ये आप सिंगल एक ही कलर का रखेंगे और जो ये ऊपर दिख रहा है ये वाला पार्ट आप सब अलग अलग कलर से कर सकते हैं जैसे कि इसमें दस लाइन है तो आप इसमें दस कलर भी लगा सकते हैं अगर आपको इसको मल्टी कलर में बनाना है लेकिन मैंने यहाँ ये यह डबल कलर में बनाई है अगर आप इसको सिंगल कलर में बनाना चाहते हैं तो ये देखिए ये मैंने पहले बना के दिखाई थी ये शेड वाली ऊन में इस तरह से अगर आपको सिंगल कलर में बनानी है तो आप ये वाली वीडियो देखिए और इसकी जैसी आप बिल्कुल सेम इसी के तरीके पे बनाइए अगर सिंगल कलर में बनाएंगे तो आपकी ये बन जाएगी ये मैंने डेढ़ से दो साल के बच्चे के लिए बनाई है यहां मैंने 86 सिक्स फंदे इसमें लिए हैं बॉर्डर में अगर आपको ये तीन साल के बच्चे के लिए बनानी है तो आप सब कुछ इतना ही रखेंगे जहां जितने फंदे जितनी लाइंस जो भी रखे हैं और यहाँ नाइन्टी फंदे आप उठा देंगे इसके बॉर्डर में तो ये तीन साल के बच्चे को आ जाएगी इसी तरह से मैंने ये भी इतनी ही बड़ी बनाई है वो भी मैंने पचास फंदों से शुरू की है यहां से तो ये भी मैंने पचास फंदों से शुरू की है उसमें भी मैंने ये दस लाइन ली है और इसमें भी मैंने ये दस लाइन ली है लेकिन इसमें मैं बॉर्डर में फंदे उठाऊंगी थोड़े ज़्यादा ताकि ये थोड़े से बड़े बच्चे को भी आ जाए और अगर आप इसको और ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो बस इसमें हर एक साल के लिए आप देखेंगे कि दो दो फंदे आप एक्स्ट्रा करेंगे तो ये काफ़ी हो जाएंगे दो या चार फंदे आप बॉर्डर में एक्स्ट्रा कर लेंगे और दो फंदे आप इसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे इसकी जो लंबाई होगी वो ये होगी देखिए वैसे तो हमने यहां से बुना बुनना शुरू किया तो ये होनी चाहिए इसकी लेकिन ये तिरछे में आएगी यहां से मेरी ये सात इंच आ रही है और जब हम इसको यहां से नापेंगे देखिए ये होगी हमारी पांच इंच तो इसकी जो लेंथ है वो पांच इंच की है इस वक्त इसमें हम बॉर्डर भी बनाएंगे इसको आप इस तरीके से नाप सकते हैं जब आप ये यहाँ बुन रहे हो कि हमें नापनी है किसके लिए हमें बनानी है तो ये यह देखिए यहां से इसको पकड़ेंगे और ये हमारी इसकी गोलाई है तो जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसके सर से आप इसको नाप के देख लें और थोड़ी सी ढीली रखें क्योंकि जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो उसके बाद भी ये थोड़ी टाइट होगी तो यहाँ से आप थोड़ा पहले ढीला रखेंगे इस तरह से नाप लेंगे आप इसको ये इसकी फाइनल इस तरह से लुक दिखेगी सबसे पहले मैं आपको इसको शुरुआत के बताती हूँ कि मैंने इसको शुरू कैसे किया है पचास फंदे मैंने इसमें लिए हैं तो मैं कम फंदों में आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे किया है निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले हम इसमें पचास फंदे डाल लेंगे फिफ्टी स्टिचे मैंने इसमें लिए हैं और छः-छः सिलाई मैंने ये दोनों कलर से की है देखिए ये मैंने सोलह फंदे इसमें ले लिए हैं चौदह फंदे हैं मेरे ये चौदह फंदों में मैं इसको बना के दिखाऊंगी कि हम ये लाइनें कैसे बनाएंगे आपको ये पचास फंदों से शुरू करना है अगर आप ये और छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं या सिक्स मंथ तक के बच्चे के लिए तो आप पचास फंदे इसमें ना डालें इसमें फोर्टी फाइव स्टिचेज या बहुत छोटी बनानी है तो आप इसमें फोर्टी फंदे भी डाल सकते हैं उससे कम आप नहीं डालेंगे वरना ये फिर न्यू बॉर्न बेबी को भी नहीं आएगी वैसे फोर्टी फाइव फंदे सही रहेंगे इसमें बॉर्डर आप थोड़ा ढीला या टाइट कर सकते हैं ये लाइंस भी आप दस ना बना के इसमें आठ ही बनाएंगे अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं ये पहली सिलाई हमने उल्टी बना ली छह सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें यहां से हमें ये फंदे बढ़ाने हैं और इधर हमें घटाने हैं यह आप किसी भी तरह कर सकते हैं चाहे तो आप यहाँ घटा लें यहाँ पर बढ़ा लें या यहाँ घटा लें यहाँ बढ़ा लें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बस ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने घटाना शुरू किया हर बार वहीं उसी साइड से घटाना है और जहाँ से बढ़ाना शुरू किया वहाँ हर बार आपको कैप पूरी होने तक वहीं से बढ़ाना है तो हम इसको सबसे पहले यहाँ एक फंदा बढ़ा देंगे कि यहाँ से उठा लेंगे फंदा ये हमने बढ़ा लिया एक फंदा बढ़ गया सिलाई कंप्लीट करेंगे लास्ट का एक फंदा छोड़ के उसके पहले के दो फंदे लेंगे दो फंदे का एक फंदा करेंगे यहाँ यहां हमने बढ़ाया यहाँ घटाया ये यह बुन लिया ये हो गई हमारी दो सिलाई तीसरी सिलाई हम इस सिलाई में कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे उल्टी सिलाई में हम हर बार कोई फंदा घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं एक ही साइड से हमें घटाना और बढ़ाना है देखिए ये हमारी एक सिलाई हो गई ये तीन सिलाई हो गई अब हम दूसरा बार लेंगे यहां से ये वाला फंदा पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे एक फंदा बुनेंगे और ये यहां से उठाते हुए ये फंदा बढ़ा लेंगे और ये सिलाई कंप्लीट करेंगे लास्ट में दो फंदे का एक फंदा करेंगे देखिए यहाँ आ गए हम यहाँ दो फंदे का एक फंदा करेंगे लास्ट के फंदे पे भी आप कर सकते हैं लेकिन हम एक फंदा छोड़ के इसलिए करते हैं ताकि ये लास्ट का फंदा इस तरह से ये इसके जो एजेस हैं यहाँ एकदम इक्वल आएंगे अगर हम लास्ट के फंदे पे नहीं घटाएंगे तो हमें जो हम बॉर्डर के लिए फंदे उठाएंगे तो उसमें हमें ये आसानी रहेगी इसलिए हम ये लास्ट का फंदा छोड़ के और उससे पहले वाले दो फंदों का एक फंदा किया अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे पांचवी सिलाई है हमारी ये देखिए ये मेरी पांच सिलाई कंप्लीट हो गई अब मैं यहां से दूसरा धागा लगा रही हूं हर बार हमें छह छह सिलाई करनी है लेकिन ये मैं सीधी साइड से दूसरा कलर का धागा लगा रही हूं इसलिए यहां मेरी पांच सिलाई पूरी हो रही है तो मैं पांच सिलाई पर ही दूसरा धागा लगा दूंगी तो यहां आपको पांच या छह सिलाई इसी तरह से सीधे उल्टे की बुनाई में करनी है लास्ट में दो फंदे का एक फंदा करना है सीधी साइड से और यहां पर एक फंदे का दो फंदा करने हैं कि अब ये वाली हम दूसरे कलर से कर रहे हैं लेकिन हम ये सीधी साइड है तो हम सीधी ही बुनेंगे ये सिलाई और फिर यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे ये सिलाई कंप्लीट करेंगे लास्ट में दो फंदे का एक फंदा करेंगे देखिए यहां पर तो हमें दो फंदे का एक फंदा करना है पूरी कैप में हमें यही रिपीट करना है जब तक कैप कंप्लीट होती है यहां बढ़ाना है यहां घटाना है अब हम उल्टी साइड है इसकी जब हम दूसरा कलर लगाएंगे पहली सिलाई हम सीधी साइड से की तो सीधी ही की लेकिन जब हम उल्टी साइड से करेंगे तो भी हम सीधी सिलाई करेंगे ये ताकि हमारा ये वाला उभरा हुआ पार्ट आए उल्टी साइड से हम ये बुन रहे हैं लेकिन सीधी सलाई बुन रहे हैं देखिए ये हमारी इधर उल्टा दिख रहा है अब तो अब ये अगली चार सिलाई हमने दो सिलाई इस कलर की हो गई अगली चार सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है इस तरफ हमारा उल्टा आना चाहिए और उस तरफ हमारा सीधा आना चाहिए देखिए यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे यह हमें इस कलर में भी कंटिन्यू रखना है ये हमने बढ़ा दिया एक फंदा सिलाई कंप्लीट करेंगे यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा करेंगे ये बस बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको देखिए ये हमारी तीन सलाई हो गई इस कलर की और आप देखेंगे कि इस तरीके से ये तिरछा आना शुरू हो गया इधर से ये ऐसे निकलता जाएगा देखिए और ये आपका ऐसे से इधर से जाएगा अब हम इसको उल्टी तरफ है उल्टी तरफ से हम सीधी सिलाई बुनेंगे ये हमारी चौथी सलाई हो जाएगी दो सलाई हमें और इसी तरीके से करनी है यहां से बुनेंगे पहला फंदा बिना बुना लेके एक फंदा बुनेंगे यहाँ फंदा बढ़ाएंगे ये एक फंदा बढ़ा लिया हमने नीचे से उठा लेंगे बस फंदा या आप जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाते हो उस तरीके से आप यहाँ फंदा बढ़ा लें और लास्ट में आप दो फंदे का एक फंदा करेंगे देखिए अब हमें उल्टी सलाई उल्टी साइड से है ये लेकिन सीधी ही बुनेंगे ये देखिए इधर हमारा सीधा दिख रहा है इधर उल्टा दिख रहा है लेकिन ये हमारी सीधी साइड है ये देखिए अब हमारी ये पहले हमने यहाँ पांच सिलाई कर ली थी और छह सिलाई अब हमारी ये इस तरह की हो गई अब हमें फिर से ये वाला कलर लगाना है बुनने का तरीका वही है इसमें हमें सीधी उल्टी की कोई देखना नहीं है एक तरफ से सीधी सिलाई में सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई में उल्टी सिलाई यहां पर ये फंदा बढ़ा लिया हमने सिलाई कंप्लीट करेंगे लास्ट में दो फंदे का एक फंदा करेंगे ये दो फंदे का एक फंदा किया देखिए इस तरीके से ये आनी शुरू हो जाएगी जब आप एक तरफ घटाएंगे और एक तरफ बढ़ाएंगे तो अपने आप ही ये इस तरह का ढाल आ जाएगा इसी तरह से ये एक के बाद एक पट्टियां ये छह सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और फिर से यही शुरू करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ किया था इस तरीके से आप इसको बुनते जाएंगे लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक फंदा या उससे ज्यादा कम इसमें घटाना या बढ़ाना भूल गए तो इसमें कभी कभी ये कम हो जाता है या एक ज्यादा हो जाता है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका ज्यादा हो गया तो एक बार आप यहाँ दो की जगह तीन फंदे का एक फंदा कर देंगे तो वो आपका कम हो जाएगा या एक बार नहीं बढ़ाएंगे तो वो आपका बराबर आ जाएगा या कोई भी कम हो गया है तो आप बढ़ा भी लेंगे और यहाँ घटाएंगे नहीं तो वो एक बराबर हो जाएगा तो बीच बीच में आप ये फंदे गिनते रहें कि कभी कम ज्यादा नहीं लेकिन अगर आपके ज़्यादा फर्क आ गया है कि तीन फंदे या दो फंदे चार फंदे का फर्क आ गया तो आपको ये कैप उधेड़नी पड़ेगी तब आप इसको सही कर पाएंगे लेकिन अगर एक फंदे का फर्क है तो आप इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरीके से बुनते हुए मैंने ये दस लाइन इसकी कंप्लीट की हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस लाइन मेरी ये कंप्लीट हो गई और यहाँ मैंने लास्ट में एक सिलाई है इस वाले कलर की कर दी आज सिलाई मैंने यहाँ की सबसे शुरू में और एक सिलाई मैंने ये यहाँ कर दी तो हमारी ये वाली भी छह सिलाई हो गई पूरी अब हम इनको बंद कर देंगे बंद भी हमें ये बिल्कुल टाइट बंद नहीं करना है बिल्कुल सिलाई के बराबर लेते हुए इसको बंद करेंगे ये दो फंदे साथ में लेंगे फिर ये वाला फंदा इधर ले लेंगे फिर दो फंदे साथ में लेके बुनेंगे इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे उसके बाद हम फंदे उठाएंगे बॉर्डर के लिए ये देखिए इस तरीके से हम ये सारे फंदे बंद करेंगे जब हम यहाँ मिला के सिलेंगे इस कलर से हमने इसीलिए किया है ताकि हमारा धागा दिखे नहीं जब हम इसको सिलेंगे ये देखिए यहां हमने ये सारे फंदे इस तरीके से बंद कर लिए हैं अब तो हम यहां थोड़ा सा सिलाई के लिए धागा छोड़ के इसको काट देंगे अब हमें यहां से फंदे उठाने हैं ये आप फंदे चाहे तो इधर से भी उठा सकते हैं और इधर से भी उठा सकते हैं यहां से कि फंदे आप चाहेंगे इधर से उठाएं तो इधर से उठाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैप में कि फंदे आप इधर से उठा रहे हैं या इधर से उठा रहे हैं लेकिन ये वाली जो साइड है इसको हम सिलने में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे ये धागे ऐसे दिख रहे हैं तो फंदे उठाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो यहां हम इसको सिल के पम्प पम्प लगा देंगे और फंदे हम इधर से उठा लेंगे जिधर से ये हमें प्लेन दिख रहा है तो इस तरीके से हम इसके फंदे उठा लेंगे पहले और फिर हम इसमें फंदे थोड़े बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी आगे की किनारी हमें बिल्कुल टाइट नहीं चाहिए बॉर्डर की तो हम थोड़े एक्स्ट्रा फंदे रखने हैं इसमें तो हम इसमें फंदे बढ़ा लेंगे अभी फिलहाल हम ये इस तरीके से जितनी भी चेन है हमारी ये ये हम उठा लेंगे और जब हम इसकी पहली सिलाई बुनेंगे तो हम इसमें फंदे बढ़ा लेंगे और अगर आपको ये फंदे बढ़ाने नहीं हैं, इतने में ही आपको ये फंदे उठाने हैं तो आप ये वाली लाइनें फिर आपको और ज्यादा करनी पड़ेंगी इस तरह से हम ये सारे फंदे उठा लेंगे ये देखिए ये अब मैंने फंदे उठाए इसमें अभी मेरे ये सिर्फ तिरसठ फंदे उठे हैं सिक्सटी थ्री उठे हैं इसे मैंने करना है एटी फाइव या नाइन्टी फंदे के करीब मैं इसको कर लूंगी तो पहले मैं यहां इसमें फंदे बढ़ाऊंगी पहली सिलाई में ये सिलाई मैं पूरी उल्टी ही बुनूंगी और ये देखिए ये दूसरी तरफ की जो चेन दिख रही है ये यहां से इस तरीके से उठा लेंगे तरह से देखिए ये वाली जो चेन दिखती है हमें इसको हम यहाँ से डाल के सिलाई और ये बुन देंगे तो इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे ये सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे 85 या 90 फंदे तक हम इसको बढ़ा लेंगे और पूरी लाइन में ही हमें बढ़ाने हैं ऐसा नहीं है कि हमने इतनी सिलाई में थोड़े सारे फंदे बढ़ा दिए और आगे ऐसे ही कर लिया पूरी सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे ये देखिए ये इस तरह से हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली इसकी फंदे बढ़ाते हुए अब हम ये गिन लेंगे फंदे एक, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस चालीस चालीस इक्यालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस नाइन्टी फंदे हमारे ये हो गए अब हम बुनेंगे इनको दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे का बॉर्डर बॉर्डर आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का बुन सकते हैं आप एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इस तरह से भी बुन सकते हैं तीन फंदे सीधे तीन उल्टे जिस भी तरह का आप बॉर्डर बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं लेकिन अगर आप कोई बॉर्डर ऐसा बना रहे हैं जो चौड़ाई में ज्यादा खुलने वाला है कि ढीला रहेगा ढीला हो जाता है तो वो बॉर्डर आप इसमें ना बनाएं और अगर बनाएं तो फंदे काफी कम रखें लेकिन ये मैं बता रही हूँ इसमें एक उल्टा एक सीधा या दो उल्टे दो सीधा बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा तो अभी मैं बना रही हूँ दो फंदे सीधे धागा आगे लेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे लेंगे दो फंदे सीधे इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे देखिए कि अब हमने दो फंदे सीधे दो उल्टे बुनते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर ली ये माए दो उल्टे आ गए लास्ट के फंदे हमारे बचते हैं दो सीधे और जब हम उधर की सिलाई करेंगे तो ये फर्स्ट के जो फंदे होंगे इधर से हमने अभी ये सीधे बुने जब हम सिलाई टर्न करेंगे तो यही फंदे हम उल्टे बुनेंगे बस पहली बार में आप देख लेंगे उसके बाद आप देखेंगे ये दिखना शुरू हो जाएगा ये डार्क कलर है थोड़ा आपको इसमें कैमरे में नहीं दिख रहा होगा ये वाले हमारे दो फंदे सीधे आ रहे हैं तो हम सीधे बुन लेंगे उल्टे आ रहे हैं जो वो उल्टे बुन लेंगे अब हमें ये बॉर्डर बुनना है जहाँ सीधा दिख रहा है वहां सीधा बुनेंगे दोनों साइड से और जहाँ उल्टा दिख रहा है वो उल्टे बुनेंगे यानी दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे टू बाई टू की रिबिंग में आप इसको बुनेंगे इस तरीके से हमें ये बॉर्डर करना है आप चाहे तो इसको एक इंच बुने चाहे तो आप डेढ़ इंच बुन लें इसको दो इंच बुन लें जितना आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं उतना बिल्कुल इसी तरीके से बुना जाएगा ये उसके बाद हम ये फंदे बंद कर लेंगे और फिर इसकी हम सिलाई करेंगे बस इसी तरह से हमें दोनों साइड से बुनना है दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे देखिए ये अब हमने दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बुनते हुए इस तरीके से देखेंगे खोल के ये हमने बॉर्डर बना लिया है ये हमारा करीब डेढ़ इंच के करीब बना है ये एक सिलाई कम है अभी डेढ़ इंच में तो अब हम इसको बंद कर देंगे बंद भी हमें बहुत ज्यादा टाइट बंद नहीं करना है ये हल्का सा लूज लेते हुए इसको हम बंद कर देंगे सारे फंदे इसी तरह से हमें बंद करने हैं दो फंदे लेने हैं फिर ये फंदा इसमें लेंगे ये फंदा दो का एक करेंगे फिर इधर सलाई में ले लेंगे इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे बंद कर देंगे देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे हर हल बहुत हल्का सा लूज़ करेंगे इसको और ये सारे फंदे बंद कर देंगे देखिए ये अब हमने सारे फंदे इसके बंद कर लिए हैं अब हम करेंगे इसकी सिलाई देखिए इस तरीके की इसकी लुक आएगी कैप की अब ये यहाँ से यहाँ तक हमें इसको सिलना है आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा लूज दिख रहा है मैंने लूज ही बनाया है इसको अगर आप इसको टाइट करना चाहते हैं तो आप इसको टाइट भी बंद कर दें लेकिन वो फिर पहनने में अनकंफर्टेबल होगा तो इसलिए थोड़ा सा लूज़ रखें इसको अब हमें ये वाला कलर जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये तो हम इसी कलर से सिलेंगे। और जो ये वाला पार्ट है ये सिलेंगे हम इस वाले कलर से ये वाला धागा लगाएंगे सिलने का तरीका वही है जैसे कि मैं हमेशा सिलती हूं यहां से इसको इस तरह से मिलाते हुए ऐसे हम ये यह यहाँ से लेके और ये यह यहाँ तक पूरी सिल लेंगे यहाँ तक हमें ऐसे इसको सिल लेना है एक बार और देखिए कैसे सिल रहे हैं ये हमने बंद किया है ये एक चैन जैसी बन गई है उससे उसको सुई में लेते हुए और ये यह हमने यहाँ जो फंदे डाले हैं वो हर फंदे में ऐसे लेते हुए इसको हम पूरा सिल देंगे देखिए ये यहाँ से सिलते हुए हमने यहाँ तक ये यह कंप्लीट सिल लिया है अब हम करेंगे इसकी सिलाई ये यह यहाँ से इसको हमें यहाँ से बांध के इसको एक टोपी का लुक लुक देना है इस तरीके से और उसके बाद हम इसमें पम लगा देंगे तो देखिए इसको हम कैप का लुक कैसे देंगे जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ से हम शुरू कर लेंगे इस तरीके से हर फंदे में ये लेते हुए इस तरह से हम ये पूरी गोलाई में यहाँ तक ले लेंगे यहाँ से देख लेंगे ये टाइट करने से पहले कि यहाँ कोई धागे तो नहीं निकल रहे है ये धागे आ रहे हैं तो इसको इस तरफ इस तरह से कर लेंगे पहले और उसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे धागे को ये देखिए इस तरीके की एक कैप बन के तैयार हो गई यहां आप चाहें तो पम्पम लगा लें, नहीं चाहें तो आप इसको इसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं तो हम इसमें पम्पम लगाएंगे इसे दोनों कलर का बनाना चाहें तो आप दोनों कलर के धागे ले लें एक कलर का बनाना चाहें तो आप एक कलर का धागा ले लें इस तरह से हम ये लेंगे तीन धागे हमने ले लिए ये दो इस कलर के, के एक इस कलर के, के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस ले लेंगे इसमें या थोड़ा सा और इक्कीस बाईस तक ले लेंगे या पच्चीस तक आप इसमें ये धागे ले लेंगे ऐसे एक दो चक्कर इसमें कम या ज्यादा हो जाए उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें ये आप अपने ऊपर है आपके कि आप छोटा सा पम पम लगाना चाहते हैं या बड़ा लगाना चाहते हैं तो आप उतना ही बड़ा इसको बनाए ये मैं सिर्फ तरीका बता रही हूं ऊन मैंने ये रेबिट एक्सेल ली है वर्धमान की अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बेबी वूल में ही बनाएं और कोई सी वूल यूज़ ना करें क्योंकि बेबी वूल में इसमें रुआ नहीं आता है बिल्कुल भी तो वो छोटे बच्चों के लिए बेहतर रहता है इसमें थोड़ा सा ये बॉबलिंग हो जाती है इस तरीके से आप ये इसकी कटिंग कर कर दें हल्की हल्की गोलाई देने के लिए यहाँ इसको ये यह बांध देंगे हम क्रोशिया से या सलाई से या सुई से किसी भी तरीके से आप इसमें से यहां से धागा निकाल लेंगे देखिए इसमें यहां मैंने ये यह पीछे की तरफ धागे निकाल दिए दोनों अब यहाँ पर हम इसमें एक घाट लगा देंगे हमारी स्पाइरल कैप बन के तैयार हो गई इस तरीके से इसका लुक आएगा यहां से आप इसको इस तरह से देखेंगे तो देखिए कितनी प्यारी लगेगी इसी इसी तरह से ये सर के ऊपर आएगी तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी काफी डिटेल में मैंने इसको बनाया है बस आपको क्या करना है हर उम्र के लिए आपको एक एक दो दो फंदा एक्स्ट्रा रखना है और दो दो चार चार फंदे यहाँ पर एक्स्ट्रा रखने हैं ये एक लाइन ज़्यादा कर लेनी है इस तरह से ये लाइन थोड़ी ज़्यादा भी अगर हो जाएंगी तब भी आप अगर यहाँ से कम फंदे उठा लेंगे लाइन्स आपकी ज़्यादा हो गई हैं तब भी ये थोड़ा अच्छा लगेगा एकदम से ज़्यादा आएगा ये ख़राब नहीं लगेगी तो आप ये लाइन्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं तरीके से उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू